मिस एंड मिसेस मीरा भाईंदर थाने। सबसे पहले मुझे ये क्वेश्चन आया था कि आपने मिस एंड मिसेस मीरा भाईंदर थाने क्यों रखा, ना कोई मिस यूनिवर्स, ना कोई मिस इंडिया, ना कोई मिस मुंबई, मिस महाराष्ट्र, ऐसा टाइटल क्यों नहीं रखा, ऐसा टाइटल रखा जो मिस एंड मिसेस मीरा भाईंदर थाने। ये कॉन्सेप्ट करने का मेरे पीछे मोटो ये था कि यहाँ से लास्ट ईयर हमारे सेलिब्रिटी जो गदर टू में आई थी, उन्होंने भाईंदर रहवासी थी, बट यहाँ पर बहुत सालों से स्ट्रगल चल रहा था। मैं खुद भी बॉटम घाटकों पर से हूँ, बट अभी कुछ 15 सालों से भाईंदर में रहता हूँ, तो मैंने देखा कि यहाँ की जो लोग हैं उनको इतना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, इनको बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि लोग उस तरह के इतने इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं है, उनके इतने रेफरेंसेस नहीं है, उनके इतने प्रोडक्शन हाउसेस, डायरेक्टर्स, या इतना कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। तो मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये प्लान किया कि मैं ऐसा कोई इवेंट प्लान करूँ जिससे मुझे अच्छे टैलेंट्स मिले, मेरे अपने प्रोजेक्ट्स में आगे मुझे उनको प्लेटफॉर्म देने का मौका मिले, एज वेल एज मैं उनको और भी कहीं कंपनी में एसोसिएशन करवा दूँ, ब्रांड शूट्स करवा दूँ, या फिल्म में कहीं लॉन्च करा दूँ, इस तरह की मेरा ये प्लान था बेसिकली। और भी उम्र लाइक जैसे मैंने बोला आपको 55 सालों की भी लेडीज़ों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया क्योंकि हुनर थी, बट दे नेवर गॉट एनी प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन वॉक एंड टॉक अबाउट देमसेल्फ, प्रूव देमसेल्फ क्या टैलेंट है उनमें, उस सब अभी तक उन्होंने कभी किया नहीं। तो आज मैंने जब आपको बताया कि बोरीवली की प्रिंसिपल जिन्होंने ऐसा है इसमें, उन्होंने भी इस पर पार्टिसिपेट किया था, इवन शी वाज 43 इयर्स हुई, और उन्होंने बोला कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं अपने आप को शोकेस कर सकूँ। तो मेरा ऑनर पूरा ये माध्यम यही था कि सबको एक मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले, और अपने आप से वो लोग अपना जो टैलेंट हुनर है वो दिखा सकें, दैट्स इट, यही था। नहीं, मैंने इसके पहले भी 2 सीजन्स किए, हमने इसके पहले हमने किया मिस एंड मिसेस गुजरात, जहाँ पे हमने राजकोट, अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा, ये 4 सिटीज़ में हमने ऑडिशन्स लिए थे। ऑडिशन्स देने के बाद में हमने फिनाले किया था, संदीप सोपाकर और मेघना नायडू दोनों जज थे, और हमने किया था अहमदाबाद में एक रिसॉर्ट के अंदर, उसके अंदर से जो विनर थी वो फेमिना मिस इंडिया में 11th कंटेस्टेंट तक पहुँची थी, तो उसका नाम था मिस नाजदीन। तो वो करने के बाद हमने फिर और एक बार 2-3 साल का ब्रेक लेके राजकोट या स्टेन एंड्रयूज कॉलेज में किया मिस एंड मिसेस मुंबई। तो मैं 2-3 साल के ब्रेक में जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है कि मैं कुछ कर सकूँ, कैसे इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकूँ, क्योंकि हालांकि मुझे पता है कि स्पॉन्सर्स मिलना, ब्रांड एसोसिएशन मिलना बहुत टफ है आज की तारीख में। तो आफ्टर लॉकडाउन फिर मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि एक प्रोजेक्ट मैं करूँ। और बताइए, यहाँ तक कि सक्सेस हो गया, तो इस इन बीच में आपको कितना प्रॉब्लम्स फेस किया? बहुत सारे। मैंने जब तनी तड़का 2008-09 में स्टार्ट किया एज ए रिपोर्टर अमेरिकन न्यूज़ चैनल कैलिफोर्निया में, मुनीजा रियाज नाम है उनका, आज भी वो मुझे अपना भाई मानती है, उनके साथ में मैंने एज ए पत्रकार एज ए रिपोर्टर स्टार्ट किया। मेरा बैकग्राउंड था कॉमर्स का, मैंने कॉमर्स में बीकॉम किया, और जब हमारी उनसे मुलाकात हुई उन्होंने बोला कि आप ये रिपोर्टिंग कर सकते हो, तो मैंने बोला कि मेरा इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि मेरा मीडिया बैकग्राउंड है ही नहीं, बट उन्होंने बोला कि हम आपको स्काइप चैट में ट्रेन करेंगे, यू कैन डू इट, यू कैन हैंडल इट, गो एंड टेक एन इंटरव्यू ऑफ एन एक्टर। तो बंदी में रॉनी रॉय का और नंदी संधू का मैंने पहला इंटरव्यू किया था। वैसे दौरा चलता रहा, मुकाम चलते रहा, सबसे भाईचारा चलते रहा, एक्टरों से, प्रोड्यूसरों से, मीडिया वालों से, तो मेरा धीरे धीरे करके अपना आज तक यहाँ तक मुझे सक्सेस मिला, और भी मेरे आगे तक मुझे बहुत जाना है, और आप लोगों का साथ चाहिए, और गुरुदेव की प्रार्थना और माँ का आशीर्वाद है मेरे पे, तो मैं ज़रूर करूँगा। अभी नेक्स्ट, अभी मेरा बैंगलोर हो गया, गुजरात भी हो गया, आपका नेक्स्ट कौन सा डेस्टिनेशन है आपका? नेक्स्ट मेरा प्लान है दुबई का, जो अब आज हमारी डिस्कशन चल रहा है, वेरी सून हम लोग उसको लॉन्च करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे। इसके अलावा आप कुछ बोलना चाहोगे? इसके अलावा मैं आपको सबको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना आकर के इस हमारे इस शो को वो सवारा, और सेकेंडली मैं और ये कहना चाहूँगा कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन की जो टैलेंट है वो
वो दबकी दी नहीं नहीं रहनी चाहिए। ऐसे कहीं भी मौका मिले तो उस प्लेटफॉर्म पे आपको हुनर दिखा देना चाहिए, चाहे वो 16 साल की लड़की हो या चाहे वो 65 साल की लड़की हो, अपने आप के अंदर की जो ख्वाहिश है उसको दबा के नहीं रखना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ हर मोमेंट को। थैंक यू। प्लीज़ 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 द मैन बिहाइंड द शो, द होल सोल मैन हु इज़ बीन रनिंग दिस होल इवेंट सिंस आई थिंक 2 महीने तो मुझे इनको देखते हुए हो गए हैं, मुझे इनके साथ एसोसिएशन में आते हुए हो गए हैं, एंड ही इज़ बीन रियली पुशिंग हार्ड, एंड आप सब बस इन्हें सपोर्ट कीजिए, ही विल मेक इट बिग, आई एम श्योर अबाउट इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू राकेश जी, आपने इतना अच्छा आयोजन किया है सारी लेडीज और गर्ल्स के लिए, तो आपको क्या कहना है? एक्चुअली मीरा भाईंदर थाने ये कॉन्सेप्ट करना बहुत ही कठिन था शुरुआत में, मीरा भाईंदर में ऐसी कोई बड़ी इवेंट्स हुई नहीं और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ के लोकल कंटेस्टेंट्स को भी मिला नहीं, तो ये मैंने सोचा कि यहाँ से लास्ट सिमरन कौर करके जो है जो गदर 2 में आ गई वो भाईंदर से बिलोंग करती थी, उसके बाद बहुत सालों से उन्होंने स्ट्रगल किया, तो ये एक हमने उन्हें ब्रिज बनाया कि आप भाईंदर 2 लोखंडवाला या अंधेरी पहुंचने के लिए जरिया मीरा मिस्टर मिसेस मीरा भाईंदर का कॉन्सेप्ट रखा चाहिए, सो दैट दे कैन रीच देयर वेरी इजीली, यू नो मीडिया एंटरटेनमेंट में उनको ये अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। मेरा मानना है कि काश मुझे ये ही प्लेटफॉर्म आज से 10 साल पहले मिला होता दिल्ली से लोखंडवाला को टच करने के लिए और मैं एक अच्छे से पैजेंट शो का हिस्सा बनता और उसके बाद मुंबई आता, बट ग्रेट एफर्ट टेकन बाय हिम इन टर्म्स ऑफ ऑल द लेडीज़ इन टर्म्स ऑफ ऑल द वुमेन आउट देयर जो अपने आप के लिए कुछ करना चाहती हैं, सबसे पहले उनके लिए सबसे पहला स्टेप अगर आपने ये ले लिया है तो आप आधी रेस तो जीत ही गई, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इट, एंड आई एम जस्ट ईगरली वेटिंग कि अंदर जो जो कंटेस्टेंट्स हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे और कितना मज़ा आने वाला है। इसमें हम लोगों ने 3 राउंड्स रखे हैं, इसमें फर्स्ट राउंड में हम लोग करने वाले हैं इंट्रोडक्शन राउंड जिसमें वो लोग अपना इंट्रोड्यूस कराएंगे, अपने नाम अपना एज क्या कर रहे हैं, बहुत सारी वुमेंस हैं जो हाउस वाइफ्स हैं, बहुत सारी लड़कियाँ जो कॉर्पोरेट में जॉब कर रही है और फिर भी उनको एक पैशन था कि एक बार मुझे एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर मैं अपने आप को प्रमोट कर सकूँ, अपने आप का जो हुनर है वो दिखा सकूँ, तो और इवन 55 ईयर्स की वुमेनों ने ऑडिशंस दिया है जो बड़े बड़े कॉलेजों में SIS कॉलेज बोरीवली में प्रिंसिपल रह चुकी है, उन्होंने भी ऑडिशंस दिया, पर अभी एग्ज़ाम्स आने के लिए वो फिनाले में आ नहीं पाए, बट मैंने देखा कि अगर किसी की भी लेडीज़ों को अंदर होता है कि कहीं एक ऐसा मुझे मेरे दिल के अंदर ऐसा है कि मैं मॉडलिंग करूँ वॉक करूँ या मेरे अंदर जो हुनर है वो दिखाओ, तो ये हमने इस माध्यम से मिस्टर मिसेस माध्यम से हमने करने की ट्राई किया। तो आशीष आप अपने सभी लेडीज़ को सपोर्ट करने पहुँचे हो तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो जो आप सबने पारितोष का कैरेक्टर देखा है वो अपनी माँ को तो सपोर्ट करता नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को सपोर्ट करता है, बट रियल लाइफ में वो कैरेक्टर काफ़ी डिफरेंट है, वो रियल लाइफ में अपनी माँ से भी बहुत प्यार करता है और हमारे देश की जनता से और हमारे देश की औरतें से स्पेशली बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो आज उनको सपोर्ट करते हैं उनको पुश, हमेशा वो एक बात होती है ना कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बट आई थिंक आज हमारा टाइम है कि हम उन्हें सपोर्ट करें और उन्हें आगे पुश करें और उन्हें आगे बढ़ने का एक चांस देने के लिए, हम इतने बड़े नहीं हैं मगर आई थिंक उन्हें सपोर्ट करने के लिए ज़रूर हम खड़े हैं। और वैसे भी आशीष बहुत हम्बल है, जब भी मैंने उनको ये बात बोली कि मिस्टर मीरा भाईंदर में करना है मुझे और मेरा बहुत छोटा बजट है और आप मुझे इसमें सपोर्ट करिए, तो बोला कि ऐसा है कॉन्सेप्ट के लिए तो मैं हमेशा हूँ, पैसे की तो बात छोड़ो साइड में, लेकिन राकेश आई एम रेडी टू डू दिस, डेट्स की भी छोड़ो मैं कभी भी एडजस्ट करूँगा, अनुपमा इतना बड़ा शो कर रहा है लेकिन उन्होंने एडजस्ट करके आज आए यहाँ पर, बहुत थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू। सबसे पहले तो सभी को बहुत सारा प्यार, सभी को मैं हूँ साहिल अहमद खान और मुझे यहाँ पे आज इनवाइट किया है राकेश शाह जी ने, वो मेरे एकदम बड़े भाई जैसे हैं, और इवेंट के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आजकल की जनरेशन में इवेंट्स कम हो गए,
मतलब प्लेटफॉर्म नहीं मिलता या तो फिर लोग बोर हो गए, तो मैं इतना खुश हूँ कि मेरे ही बड़े भाई ने ऑर्गेनाइज़ किया है इतना बड़ा इवेंट, ताकि लोगों को और भी कॉन्फिडेंस मिले और भी आगे बढ़ने की चाह रखे। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ राकेश भाई को एकदम। थैंक यू सो मच। मतलब इन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया ना, मेरी फिल्म जो देहाते जिसको आई थी, उसके बाद फिर रॉकेट गैंग आई थी, मतलब मेरे हमेशा मेरे चाहे डाउनफॉल हो या मैं ऊपर जा रहा हूँ, हमेशा मेरे साथ रहे इनका फैमिली और मेरा फैमिली, पूरा घर जैसा माहौल है हमारा। और मम्मी भी वो जिनसे मैं मिला नहीं हूँ बहुत टाइम से, अभी मिलूँगा उसके बाद ही आओ। अभी देखो, अभी डायलॉग देखो जैसे आप मैं बस वैसे ही जैसा छोड़ा था लास्ट टाइम, बाद में आए ही बाद में आए नहीं। तो ये भी मेरी दूसरी माँ है, बहुत एकदम कुछ कहो क्या आशीर्वाद? अच्छा, आशीर्वाद नहीं देना सभी को जो आए यहाँ पे? उनको तो जब भी मिल जाएंगे तभी दियो ना, हम लोग तो अभी लास्ट सीट पे बैठे हैं। जा क्या बात है, क्या बात है। और मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा सभी को जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है, और मज़ा आने वाला है बहुत। आप कुछ बहुत मज़ा आने वाला है, अंदर इतना एंटरटेनमेंट है, इतनी आपको डांस परफॉर्मेंसेस इसके अंदर आपको करा, हम लोगों ने ओरिजिनल्स में कराटे भी सिखाया है इन फीमेलों को, स्त्री बल फाउंडेशन करके है उनको, हमने जो कोरियन डैन बेल्ट ब्लैक बेल्ट होल्डर है शी इज़ अ वैशाली दूध, उन्होंने कल ओरिजिनल्स में उनको कराटे भी सिखाया है। तो ये जितने भी कंटेस्टेंट्स जितने फाइनलिस्ट है उनको कराटे भी ट्रेनिंग दिया गया है। बहुत मज़ा आने वाला है अंदर, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आया। चलिए चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। पहले तो थैंक यू करना चाहूँगा कि मिस्टर राकेश जी का जिन्होंने ये शो रखा, और बहुत अच्छा लग रहा है शो में आके, बहुत खूबसूरत खूबसूरत चेहरे देखने को मिल रहे हैं, और मिस एंड मिसेस तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, और मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है। आई वॉन्ट टू से डेट ओनली डेट मच, यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पर बहुत सारी परफॉर्मेंस भी हो रही है, एंड थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी। सब इवन के ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। Yeah, of course. Yeah. Sure. Thank you. Welcome. Inviting us first of all, and the event was really amazing. Boosting up women's this way really takes up a good career, good goals for the women's to go ahead. And thank you for all the members who have organized this, Miss and Mrs. Meera Bhainder. Looking out for some more. Also, this all the organized has been by Rakesh Shah. Yes. Mr. Rakesh is a very good friend of mine who really supported us in all the events. Please, thank you so much for coming. He is a very good friend. हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और इन्होंने इनकी जो डांस विद हेमा वो इंस्टीट्यूट अभी नहीं लॉन्च किए हैं, उन्होंने आज हमारे इवेंट में परफॉर्म किया, बहुत ही ऑसम परफॉर्म किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू। मिस एंड मिसेस मीरा भाईंदर से राकेश शाह ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, बहुत सारे कंपनी से कोलैबोरेट किया, तो आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो मुझे राकेश शाह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देनी है, और उनके जो प्रयास किया उन्होंने, इतना बड़ा फंक्शन इतने लोगों को साथ में गैदर करके, और इतना सक्सेसफुली प्रोग्राम है, खुद इसमें 2 घंटे से यहाँ था, बहुत अच्छा लगा। और सभी जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और जो विनर होने वाले हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और राकेश जी मेरे मित्र हैं, वो शुरू से ही बड़े हार्ड वर्कर रहे हैं और दिल से अपना फंक्शन करते हैं, तो मैं राकेश जी को दिल से शुभकामनाएँ सबके सामने देता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा फंक्शन किया है, और इस लेवल पर इतने बड़े स्केल पर उन्होंने किया है, और मेरी शुभकामनाएं इससे बड़े बड़े फंक्शन हम तो चाहते हैं, हर 4 महीने में बड़े बड़े फंक्शन आपके साथ हो। थैंक यू वेरी मच राकेश भाई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। अरे आप आए, हमको आशीर्वाद दिया, बहुत बड़ी बात। अरे थैंक्स, रियली इट इज फैंटास्टिक प्रोग्राम। एक इनिशिएट जो लिया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। लोग उम्मीद नहीं करते मीरा भाईंदर में कुछ ऐसा होगा, बट फैंटास्टिक, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज है, बहुत अच्छे से। परफॉर्म
एवरी मोमेंट हम लोगों ने जिया वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था और अच्छा चल रहा है अभी रादर, आई विल से सो रियली गुड, या थैंक यू।